22 अक्टूबर 2022, यह हनुमान जी से संबंधित है। हनुमान पंचमुखी हनुमान में इनका भी चित्र आता है और सूअर का भी चित्र आता है। धीरे 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 बस काफ़ी देर से नहवा रहे, हमको बताना था, हमका यही हमको बता के दिखाना इस अंधे समाज को है। धनतेरस देवा छोटी दीपावली, कल हनुमान जी का वो है जन्मदिन है, तो पंचमुखी हनुमान में ये भी आते हैं। हाँ बस करो बस, अब इसको इसी पाल ला के धूप में बांध दो, समझ गए? बस हो गया, उनको बढ़िया खिलाना पिलाना स्नान कराना, जो साकार की पूजा नहीं की, इनकी सेवा करो और निराकार की पूजा करो। पूजा से मिलने वाला कुछ नहीं है, कान खोल के सुन दो। आज के कलकाल में पूजा की पद्धत है उस द्वापर और त्रेता के लिए, जहाँ बेटा बाप की हत्या कर रहा है नौकरी पाने के लिए, हैं औरत जो है वो बिना 10 लोगों के उनके संपर्क हुए उनका कर्म नहीं पूरा होगा। आओ तो ऐसे हालातों में ये हिंसा को लेकर डाल दे, यही पेड़ से बांध दे लाकर देख। हाँ जब अरे उसमें बांधो यार, थोड़ा घाम लेके यहाँ चेहरे में रही ऐसे बांध दो, थोड़ा ढीला करके बस थोड़ा। हाँ बस ऐसे बहुत ना ढीला करो, हमारा क्यारी में पेड़ ओड़ जमे हो कचर दे बस। हाँ ऐसा कहीं हटा लो जरा सही तो हुआ टांगो ले जाके तो घाम तो आवे कम से कम। लो बाबा भी जाए क्यों नहीं है? अच्छा लाओ फिर उन्हों को लाओ। यही सेवा, वही मैंने कहा कि अयोध्या में बड़े बड़े संत बैठे हैं, उनको ये नहीं करना, उनको नहीं राय देना चाहिए है कि कम से कम हनुमान जयंती पर कल है, अरे आज से ही मान लो। हाँ उनको जो है उनको वो का नाम बंदरों को भोजन मिल जाए, लाखों रुपए खर्च होंगे, कई लाख रुपया खर्च हो जाएगा खाली सजावट में, हम केवल सजावटी ही देखेंगे। अरे तो एक अनिवार्य था कि अयोध्या नगरी में रामा युग के बाद, अब हो सकता है 1000-2000 साल पहले कोई राजा महाराजा ने ऐसा किया हो सकता है, तो जब हो रहा है देश के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन अब उस गौरव में सेवा भी तो होना चाहिए। 4 दिन ही गायब रहा, देखो जाओ इसको भी बांध दो। बहुत देर तक ना नहवाना, हाँ और घाम में हम नहवाए, खाना पीना स्नाना साकार की सेवा करो भाई, यही मैं चिल्ला रहा हूँ बता रहा हूँ है। बंधा चलो वहाँ धूप है, बस नहवाओ जल्दी से। अच्छा इनको भी नहवाना है? अरे हाँ हाँ ले सुनो, बंदर का पहले नहवाओ, कुत्ता तो गर्म जानवर है, पानी रख लो पहले। हाँ थोड़ा और घामे में पकड़े रहो। हाँ और सही पछड़ जाओ जरा सा ये। हाँ बहुत हाँ नहवा के ही एकदम घाम मिला उनका। अरे साबुन ना लगाओ यार तुम भाई, अरे ऐसा नहवाओ तुम, जरा हल्का हल्का हो गया बस। बहुत तो कौन साबुन है? कपड़ा धोए वाला थोड़े लगावा जात है। अच्छा नीम के साबुन लगाई जात हमने ख्याल से, बड़े आराम से लगवा रहे हैं। ए तुम यहाँ इनका पानी दो भर दो है नहीं कोई चीज़ का पानी इनका बगल में भर दो। हाँ घाम में देखो चोट ना लगे, हमें साबुन हटा लिया करो बाबू, तुम बस दुश्मन हो सामान बर्बाद करत हो, साबुन हटा लो गल रहा है बुरी तरह से, तुम लोग यार बर्बादी कैसे देखत हो।
आज तो है बरेली से, कहें बाबा जी आपका जैसा तो हमने संत देखा ही नहीं, कि हम फल लेके आए हैं, फूल लेके आए हैं, आप कुछ नहीं ले रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कहें यहाँ तो लेने वाले सब बैठे हुए हैं, किसी तीर्थ में चले जाओ, अपने कपड़े उतार के भी दे दो, इनकार नहीं करेंगे, यही धर्म है, है? इसी से हमारा धर्म बदनाम हो जाता है ये सब उल्टा सीधा करने से। घामे में लाओ, घामे में हुआ ले जाओ, ये हुआ घामे में, हाँ वहाँ रखो, यह लो इनका दे दो, अपन पहुँच ले हैं बैठ के, तुम छोड़ो यहाँ नहवाओ आके। काटिस का अच्छा चलो चिंता न करो, ए तुम एक देखे थोड़ा कपड़ा रगड़ो, ए तुम छोड़ो एक नहवाओ, या अरे अपने आप से सूख गई हैं, जाने थोड़ा देर रहो वही पक्के छत पर कर दो, हाँ वही तौलिया, वही तौलिया से लपेटो, हाँ नहवा दो, थोड़ा घामे में कर दो, चरपैया में रखी हो कायम का, जमीन में करो, जमीन गर्म तो है, अच्छा तुम रह दो खाली घाम लगे दो, कहीं आगे कर लो, आओ आ जाओ भैया, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे इधर आओ, इधर आओ नहीं फिर चल मैं जा रहा, देखो देखो वही कूड़े में जा रहा है, ए तौलिया ओढ़ा जिनका इसी किनारे कर दे, तौलिया तौलिया ओढ़ा ले उनके ऊपर, ओढ़ा के धामे में कर दो, अरे तुम ओढ़ाई हो तो एकदम तो ओढ़ाओ, ए हाँ हाँ उठा के यहाँ रख दो, बस बस हटा दो, ये बस धाम लगे दो, तो हो गया, हल्का हल्का लगाओ, बहुत देर तक नहीं, उनको नहवा दिया गया, जो भैया अपन यहाँ फंस रहे हैं, एका घोड़े का खोल ही जीन जाए, जानो कुत्ता लाओ जल्दी नहवा के, अरे बहुत साबुन ना लगाओ यार, उतना कोनो किलनी किलना नहीं है, ये काम आए 12 बजे के पहले, चेहरे में खड़े होकर नहवा रहे, उनसे कहो पानी तो भरे, कहाँ पानी है, अरे तो हुआ है ना यही में, गर्म पानी है कहा, यह तो और पानी ले दो, कस के डालो, न साबुन न रह जाए बदन में, ठीक है साहब, आपने देखा धनतेरस है आज, सुबह एक राउंड गए बंदर को नहीं मिले, शाम को फिर 3:30 बजे निकलना है, कल भंवरेश्वर भी है, और एक बार बांदर भोज अगर आपने किया उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, एक बार में खाली, क्यों सैकड़ों बंदर हजारों बंदर उनके पेट में भोजन गया, तो जिनको आप बंदर बंदर कहते हो वो हनुमान का प्रारूप है, जब हनुमान जी का आप सुंदर कांड का पाठ कराते हो, पैसा फूंकते हो और समझते हो कि हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो गया, ये आपकी भूल है, उससे कल्याण नहीं, आप बंदर बानर की सेवा करो फिर सुंदर कांड का पाठ करा के देखो, तब आपको भाई हम लोग पूजा पाठ करते हैं हमारे लिए खुशामद है, हम भगवान को बेवकूफ बनाते हैं, ये पूजा का इसका समय निकल गया है, ये घोर कलयुग है, करो सेवा करो, घोड़े का स्नान कराओ, कुत्ते का स्नान कराओ, उनको खिलाओ पिलाओ, बंदर के स्नान कराओ, उनको खिलाओ पिलाओ, अब जो पालतू बंदर हैं उन्हीं को तो आप नहला सकते हो, कई जगह के पेड़ सूख गए हमारे यहाँ पर, एक ही पेड़ बचा पाए, चलो एक बच गया तो बच गया, अब की बार चीकू में फल नहीं आया, बारिश बहुत लेट हुई है ना, हाँ तो कहाँ जो है कि खोल दो, कहा खोल दो अपन घूमे दो आराम से, भाई नहवाई नहीं तो भाग के कमरे में घुस गया है,
इनका खोल दो जहाँ मर्जी हो जाए। हाँ क्या जैकी के घाव बहुत है। हाँ 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 जो जो चाचा हाँ यही हमारे झाड़ी में घुसा पड़ा रहा है और भाई डरत रहा कैसे। देखो हनुमान जी की कृपा सिद्धार्थ न गए होती तो ये तो हमारे भाई का मरीन जाते हैं ना। खोल दो आओ आओ सीधे हमारे कमरे में घुस के धड़ाते हुए। हाँ खोल हाँ खाली ये वही कौन पाम। हाँ पूरा खाई है तो महंगा पाम। हाँ हाँ बिल्कुल हटवाई उनसे उनसे सुशील कहो ऐसा बोला ला मैं नारियल वाले का वो कहे सह अब यहाँ तो कह दे भैया हुए रखो जाने है सुशील जाओ ऐसा बोला ला नारियल वाले का भैया चलो उठवाओ जल्दी से। अरे भाई यहाँ रहे ना अंदर तमाम मलाई उलाई रहा इनका लेकिन अलाई मलाई जो निकले हुए निकले यहाँ तो रखने नहीं। अभी इसके अंदर के जो कच्चा नारियल निकलता है बहुत खाता है ये ताजुब की बात कोई कुत्ता कहीं नारियल खाता है। बाहर निकले के कह दो खाली बात बाहर जाए के लिए तैयार। अब यहाँ फाटक ना खोल दिन हो ये खुला है चा। हाँ यहाँ फाटक ना खोले चलो हटो चलो चलो बंद करो।